स्वर्ण सिंह जी फिर हमारे सीनियर साथी मलकी जी खोसा, विनीत कंबोज जी, संदीप नेहरा जी, भूपेंद्र राठौर जी, जसवंत कसवा जी, दुर्गा सिंह जी एक सरपंच, मलिका डॉक्टर बाइकी चौधरी जी, एडवोकेट बहन पुष्पा महंत जी, एडवोकेट गुरदेव विर्क जी,
आप पार्टी से हमारे साथ ही हैप्पी कॉन्वो जी और गुरुदेव जी ब्लॉक समिति मेंबर आज यहाँ पर आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं तो है ही प्रताप सिंह धानी अंबूदकर धनोट के सभी हमारे साथी मेरी बहन यहाँ पर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है और आपने आपने जिस तरह से इतने प्यार से स्वागत किया मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। वैसे ये क्षेत्र कोई नया नहीं है और ना मैं आपके लिए नहीं, मेरे पिताजी के समय से पुराने समय से आपका हमारा नाता रहा है। ठाकुर सचिन सिंह जी होते थे उनके साथ मेरे पिताजी के बड़े घनिष्ठ संबंध थे और मुझे खुशी है कि कई साथी जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ काम किया वो यहाँ पर मौजूद है, नहीं तो दूसरी या तीसरी पीढ़ी यहाँ पर मौजूद। तो साथियों यही हमारा एक नाता है, कांग्रेस पार्टी का भी नाता है और आपका भी ये नाता है। अब समय आ गया है जब हम इस संबंध को इस नाते को और ज्यादा मजबूत करें और ये वक्त की पुकार है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, चुनाव होने जा रहा था, यहाँ के लोगों की आवाज आई कि शैलजा को यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए भेजो। तो साथियों मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे पिताजी को स्वर्गीय चौधरी दलवीर सिंह जी को और मुझे याद करके खुद अपने आप यहाँ बुलाया है। मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। और ये कि यहाँ आकर ऐसा लग भी रहा है कि अपना पुराना घर है और घर में आके तो देखो एक अच्छा लगता ही है। अपने सारे जो पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, चाचे ताऊ हमारी बहने। तो साथियों ये चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, ये चुनाव अकेली शैलजा ना लड़ रही है ना लड़ सकती है, ये आप लोगों का प्यार ही ये चुनाव लड़वाएगा। क्योंकि आपने जिस तरह से बुलाया और जो जोश आप दिखा रहे, जहां एक और हमारे साथ तो लगाव है ही आपका, लेकिन दूसरी ओर जो आज के हालात हैं, आज के हालात को पहचानते हुए भी हमें फैसले लेने होंगे और आपकी ये हाजिरी भी दिखा रही है कि आप बदलती हवा पहचान रहे। और आज लोगों की मांग है, लोगों की मांग यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जन विरोधी नीति है उनके खिलाफ एक हवा बन चुकी है, एक आंधी आ रही है दिन प्रतिदिन, चाहे अपना सिरसा हो चाहे पूरा देश। एक नई सोच आने लगी है कि 10 साल बहुत होते हैं, बहुत देख लिया जुमलेबाजी, बहुत देख लिया मोदी जी की जो बातें उस समय नई लगती थी अब पुरानी हो गई, पुरानी लगने लगी। जो समय लगता था कि ये नया इनका अंदाज है, क्या बोलेंगे कैसे, आज लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। आज के दिन जो मुद्दों की बात है उन पर क्यों नहीं आते हैं मोदी जी, क्यों वापस धर्म की, मंदिर की और कुछ और नहीं बचता तो बहनों के मंगल सूत्र की बात करेंगे। अब वोट लेने का ये कौन सा तरीका रह गया 10 साल बाद। अगर 10 साल बाद भी आपके पास ये कहने को नहीं है कि आपने किया क्या है, केवल मंदिर की बात या ऐसी बातें करोगे, तो साथियों लोग तो जानते हैं पहचानते हैं, एक बार नहीं दो बार मौका दे चुके, अब तीसरी बार तो गलती नहीं कर सकते। करोगे क्या तीसरी बार गलती करो, कैसे करेंगे। क्योंकि विश्वास जब एक बार खो देते हैं, नलवी जी बैठे हैं बहुत बहुत धन्यवाद नलवी जी का, जब विश्वास खो देते हैं तो साथियों वो वापस जीतना आसान नहीं होता। ये लोकतंत्र है, बेशक कितनी कोशिश की गई हो लोकतंत्र को दबाने की, कमजोर करने की, लेकिन हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र को बचा रहा है। आप लोग लोकतंत्र को बचा रहे हैं और आप लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे। आज की जरूरत है
कि देश की संपत्ति मोदी जी चार लोगों को मत दो, देश की संपत्ति ये जनता मांग रही है कि वापस हमारे हाथ में हमारी संपत्ति को लाओ। ये नहीं चलेगा कि आप चार लोगों को तो दे दो अपनी संपत्ति और गरीबों को दे दो कटोरा कि हर महीने आपको 5 किलो अनाज दे दिया, अब आपकी छूट, अब आप कुछ और मांगो ही मत। गरीबों का तो ये हाल कर दिया। और मेरे किसान भाई यहाँ पे बैठे, अब किसान भाइयों की व्यथा तो आप खुद जानते हैं साथी। जब हमारी सरकार आई, हमने आपका 72,000 करोड़ रुपया ऋण का माफ किया था, और भाजपा से आप आज पूछ के देख लो, वो कहेंगे कि अगर आपका ऋण माफ कर दिया तो आप लोग आलसी हो जाओगे, खेतों में काम ही नहीं करोगे। तो बताओ, ये कोई ऐसी बात कह सकता है जो ना तो ग्रामीण क्षेत्र को समझता, ना किसानों की मजबूरी को समझता, ना किसानों की मेहनत पसीने को समझता। ये ऐसी बातें वो कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, हम तो पहले कहते थे, आपने हमारी मानी नहीं। हम कहते थे भाजपा कभी आपकी पार्टी हो नहीं सकती, ये तो शहर में भी कुछ लोगों की पार्टी होके रह गई, अब शहर के लोग भी दुखी हो लिए। टिशू बोल, शहर के लोग भी दुखी हो लिए, चाहे दुकानदार है, चाहे छोटा व्यापारी है, सारे, चाहे मजदूर है, गरीब, तो सारे दुखी हैं। तो कोई आज के दिन सुखी नहीं है, ना हो सकता, क्योंकि इनकी नीतियां ऐसी है, गरीब के प्रति कोई लगाव नहीं है। गरीब को इन्होंने ऐसे सोच लिया कि 5 किलो अनाज में भाई इनकी कहानी तो खत्म। तो हम आपसे वायदा करते हैं, हमारी सरकार लाइए, हमारा वायदा है, 5 न्याय हम आपको सामने रख रहे हैं, 5 न्याय हैं और 25 गारंटी। 3 बात मुख्य रूप से आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरे किसान भाई यहाँ पर मौजूद। पहली बात, किसानों के लिए हम आपका कर्जा भी माफ करेंगे और MSP का कानूनी दर्जा भी देंगे। और हमारा ये पूरा क्षेत्र जो नशे से त्रस्त है साथियों, इस पे रोजगार चाहिए, पहली नौकरी पक्की देंगे हम युवाओं को, पहली नौकरी पक्की। और गरीबों के लिए जो अनाज है, अनाज तो हम देंगे, हो सकता है और बढ़ोतरी करें, बात उसकी नहीं है, गरीबों को उससे ऊपर भी कुछ चाहिए। गरीबी हटानी है, सिर्फ 5 किलो अनाज से नहीं गरीबी हट जाएगी। तो हर गरीब परिवार में हम एक महिला को हर साल, आप हमारी सरकार लाइए, हर साल एक महिला को हर गरीब परिवार में, और गरीब कोई भी हो सकता है, अनुसूचित जाति का भी, पिछड़े वर्ग का भी, सामान्य वर्ग का भी, जो गरीब है, एक महिला को हर परिवार में हर साल 1,00,000 रुपया देंगे। 4 अमीरों को नहीं देना, आपके हाथ में आने चाहिए आपके पैसे। तो साथियों, आप सबसे गुजारिश है, 25 मई को हाथ के निशान वाला बटन दबाइए, फिर से मुझे मौका दीजिए, ताकि हम सभी लोग मिल बैठकर समस्याओं का हल निकालें, इलाके की तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद लिपा साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। इंडिया।